बिना बताए किसी को, तो वो दो चीज़ क्या था? सबसे पहला चीज, हेलो एवरीवन, तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ मैगी बनाने, क्योंकि मुझे मैगी खाने का मन हो रहा था। खाना तो आज मैं दोपहर में खाई नहीं हूँ क्योंकि मन नहीं हो रहा था खाने का, और अभी जा रहे हैं बनाने। यहाँ पे देखिए मैं कट कर ली हूँ प्याज, मिर्च और टमाटर। ज़्यादा ही बड़ा कढ़ाई ले ली है। अरे छोटा ही सही रहता है। यहाँ पे दो पैकेट मैगी है, अभी चलते बनाते हैं। और ये दूध बचा हुआ तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा चाय बना लूँ, पी लूँ, क्योंकि मुझे ना चाय का बहुत लत लग चुका है। चाय में बहुत पीने लगी हूँ आजकल। नहीं, यस एलेक्सा, शिमला का टेम्परेचर कितना है इस समय? शिमला भारत में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। आज रात न्यूनतम तापमान 19 डिग्री होने की संभावना है। 19 तक हो जाएगा। आपकी शाम सुहानी हो। हाय हाय, सुहानी ऐसे भी रात में टेम्परेचर तो कम ही होता है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग को बताते हैं कि मैगी तो वैसे बोला जाता है 2 मिनट में बन जाएगा, लेकिन ये दूसरा बनता है 10-15-20 मिनट। वो तो बस पानी में डालकर उबाल दो, नमक हल्दी डाल दो, वो 2 मिनट में रेडी हो जाएगा, लेकिन ऐसे बनाने में तो 5-10 मिनट लग जाएंगे। ये इयरिंग मैं खोल दी इसलिए क्योंकि अभी थोड़ा देर लेटी हुई थी तो वो चुभ रहा था इयरिंग, इसलिए मैं निकाल दी, लेकिन अभी मैं थोड़ा देर के बाद पहन लूंगी। एलेक्सा, अंबाला का टेम्परेचर कितना है इस समय? अंबाला भारत में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री होने की संभावना है। तो अभी मैं यहाँ पे दूध। एलेक्सा, सिवान का टेम्परेचर कितना है इस समय? सिवान भारत में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आज रात न्यूनतम तापमान 26 डिग्री होने की संभावना है। अभी यहाँ कितना बताया? 26 है। अभी 26 है हम लोग का, 19 हो जाएगा, यानी और ठंडा पड़ेगा। एलेक्सा, अभी टाइम कितना हो रहा है? समय शाम के 6:11 है। तो चलिए गाइस, आप लोगों को 11 बज रहा है, तब तक आप लोगों को शाम देखिए हो गया है, 6 बज गया है, लेकिन अभी इतना लाइट है। और ऐसा जगह पे मतलब रहने का मतलब है ना कि पता ही नहीं चलता है समय का। तो ये है कुछ ऐसा, वो देख सकते हैं लोग कितना अच्छे से यहाँ पे। मैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि गाय भी ऐसे ही चढ़ती है सर यहाँ पे, ऊपर से नीचे होते हुए। वहाँ पे जो दिख रहा है ना, वहाँ पे वहीं पे ना गाय चढ़ती है सब, और यहाँ से घास काट के लेके जा रहा है लोग चारा के लिए। यहाँ छोटा बच्चा भी है। और अब आप लोग को बताते हैं कि वहाँ से होते हुए हम लोग आते हैं नीचे की तरफ चलते हुए पैदल। गाड़ी जो है हमारा कहाँ है वो भी आप लोग देख लीजिए। और कुछ ऐसा हमारा गाड़ी लगी हुई है वहाँ पे, एकदम मस्त लगे रहती, कोई डेंजर नहीं रहता है। और हो सकता है कि हम लोग अभी उस पर चढ़ेंगे पेड़ पे नहीं, पहाड़ पे। तो रूम से निकलते ही आप लोग नज़ारा भी देख ली कि कैसा दिख रहा है चारों तरफ, ऐसे ही है। और फिर हम लोग अभी रूम में एंट्री करेंगे, कुछ यहाँ पे ऐसा हो जाएगा क्या? तो ये कैसा वेज वाला बना रही है ना? हाँ, क्यों? यहाँ पे क्या है गाइस, मैगी का बिजनेस बहुत चलता है, तो सोच रहे हैं हम लोग मैगी का बिजनेस खोलने का। क्या और नहीं तो क्या, आप चलाएंगे क्या? हम दोनों लोग मिल के चलाएंगे। मैगी खोल दीजिए।
आप चाय पीएंगे? चाय नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे बस वहीं रुक, कैमरा तो थोड़ा ही मत देखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अभी शूटिंग हो रहा है, यहाँ कैमरा मैन शूट कर रहे हैं। अब बोलिएगा स्टार्ट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे हम लोगों का मैगी बन चुका है और एक ऐसा दृश्य अब मैं दिखाने जा रहा हूँ, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ऐसा क्या है ये। देखिए समय हो रहा था अभी 7 बजने वाला है और ये क्या है सही में? देखो ना 7 बजे का समय लग रहा है सुबह का समय है और ये शाम में कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, क्या है ये? ओ भाई ये होता है सनसेट और इतना ज़्यादा लाइट, वो भी आधा, जिधर जिधर पहाड़ है उधर नहीं दिख रहा होगा कुछ भी, लेकिन जिधर पहाड़ नहीं है उस साइड देख सकते हैं कैसा नज़ारा है। और अब हम लोग यहाँ बैठेंगे एकदम मस्त और चाय। ओहो, क्या ही सीन है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा था कि मतलब दिल खुश हो जा रहा है, सच भी बता रहे हैं ना, ऐसा यहाँ का एक तो पहले इतना ज़्यादा अच्छा कंडीशन है और इतना मतलब दिमाग को पीस मिल रहा है कि क्या बोला जाए, पीस मतलब शांति वाला वाला नहीं, वही बोल रहे थे साफ का ही नहीं आ रहा है, कैमरा बस ऑफ नहीं था। और जो हम लोग पिक्चर देखे थे ना राज में, जैसे पेड़ उड़ने लगता है वहाँ, वो वाला वहीं पे शूटिंग हुआ था सच में। नहीं गाइस हुआ नहीं था, लेकिन हम करेंगे शूटिंग। तो चलिए अभी हम खाने जा रहे हैं और यहाँ पे टन टन यहाँ पे आ चुकी है रंजना, देखो शाम का 7 बज रहा है। इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, नहीं 7 तो नहीं बज रहा होगा, कितना टाइम हो रहा है बताओ? 6:44। ओहो उधर धूप कितना आ गया मैं की। अब हम लोग बैठेंगे यहाँ पे, लीजिए बाबू, कोई बात नहीं। तो गाइस मैं लिया हूँ यहाँ पे बोतल का पानी और यहाँ पे मैगी और ये है कुछ ऐसा सीन, हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे रंजना बैठी है और चावल के साथ खा रही है, इसका अलग टेस्ट है। और ये पी रहे हैं वहाँ से चाय और मैगी, तो सबका अपना अपना पसंद है। और अभी हम आप लोग बताइएगा किसको किसको पसंद है मैगी, तो वैसे तो खा के हम देखते हैं कैसा लग रहा है, ये गर्म है, कैसा लग रहा है? अल्टीमेट एकदम गजब, बोले तो ले बेटा ये क्या हो गया, यानी कि टाइम हो गया सनसेट का, देखिए अब अंधेरा हो गया, इतना जल्दी अंधेरा हो रहा है, मतलब इस साइड हो गया, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है वो भी अंधेरा हो जाएगा जैसे सनसेट होगा। अब आप लोग को बता देते एक चीज, कल का सुबह में आप लोग को दिखाएंगे उधर से सूर्योदय, कल तो मंडे है जी, मंडे यानी कि कल बारिश होगा, देखते हैं होता है कि नहीं। आज हम काजल के इसलिए मेरा और ब्लैक ब्लैक लग रहा है, सब ठीक होगा। तो गाइस ऐसे कुछ हम लोग खाए देख सकते हैं एकदम मज़ा लेते हुए एकदम अच्छे से। आप लोग भी आइए शिमला में हमारे घर में, आप सभी का सादर निमंत्रण है, निमंत्रण है, निमंत्रण जो भी है। वेल गाइस अब आप लोगों को मैं रूम क्या दिखाऊं, उसको दिखाने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ कि हम लोग अम्बाला जब गए हुए थे ना, तो हम लोग ने 2 चीज़ लेके आया है वहाँ से, वैसे तो 3 चीज़ लेकिन 2 चीज़ मैं लेके आया हूँ और वो भी बिना बताए किसी को। तो वो 2 चीज़ क्या था, सबसे पहला चीज़ वो था कंबल
और वो कंबल इसलिए लाए थे लोग क्योंकि वो ना वहाँ पे रखा हुआ था बाहर में, तो मैं सोचा था कि कंबल ले लेता हूँ और टेंशन भी नहीं रहेगा, ठंडा वंडा लगेगा तो। और दूसरा चीज़ है, मेरा भाई कहीं खोजे मत इसलिए पहले बताते रहे। दूसरा चीज़ है वो है हवा भरने का मशीन वो की गाड़ी में, क्योंकि पिछले बार जब हम लोग आए थे ना तो हम लोग का गाड़ी का जो हवा था वो निकल गया था, सब पारी लेके आए थे, तो बहुत दिक्कत लग रहा था कि क्या करें क्या नहीं। तो इस बार कोई रिस्क लेने देना नहीं चाहते थे, तो इस बार कंबल और दूसरा जो था वो हमारा हवा भरने का मशीन, यही दो चीज़ लेके आए थे। और ये सोचे थे कि ठंडा नहीं लगेगा, तो आप लोग जैसे मुझे तो वैसे गए हुए थे अम्बाला में, तो सोचे थे कि वहाँ पे मस्त रहेंगे, लेकिन इतना सारा नेगेटिव कमेंट आया कि भागना पड़ गया। खैर छोड़िए, जो भी होता है, भोलेनाथ के ऊपर हम लोग छोड़ दिए हैं। और शायद अभी रंजना की फ्रेंड भी आ गई हैं, तो अब हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, क्योंकि हमको लेना है कुछ सामान। आ जाइए, कुछ सामान लेना है और कुछ सब्जी। चलिए गाइस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग और प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय। अब हम लोग जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए। चलना है आपको, चलना है सब्जी लाने घूमने? घूम के आ जाओ आप लोग, घूम के नहीं आएंगे लोग नहीं तो चले जाएंगे वापस ही जा रहे। ओके ओके, बाय बाय। चलिएगा, बोलिए जल्दी। सब्जी लाने चलना है, सब्जी लाने। अब आप जा रहे हो? पैदल? नहीं जी, प्लीज आप लोग से उम्मीद नहीं। बोलिए जल्दी, क्या बोलना है, क्या करना है, चलना है? चलेंगे चलेंगे।